नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज ए टू चैट। संबल में प्रधानमंत्री आवास योजना को पलीता, जनपद संबल में प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवासीय योजना में पलीता लगाने में लगे योगी जी के अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2022 तक देश के प्रत्येक गरीब इंसान को छत उपलब्ध कराने की योजना है। मोदी जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति के सर पर अपनी छत हो, इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत हर उस व्यक्ति को आवास देने की योजना है जिसके पास अपना घर नहीं है। लेकिन संबल जनपद में मोदी जी की इस योजना में योगी जी के अधिकारी प्रधानमंत्री की इस योजना में पलीता लगाने में पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद संबल के कुन्नौर विकास खंड के गंगावास में सामने आया है, जहां प्रधान ने अधिकारियों से साठगांठ करके अपने करीबी अपात्र लोगों को भी आवास दिला दिए, जबकि पात्र व्यक्ति अब भी अपने कच्चे और छप्पर के मकान में रहने को मजबूर हैं। जब इस विषय में जिला परियोजना निदेशक हरिंद सिंह से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि हम तो कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर आवास उपलब्ध कराते हैं, अब जिला परियोजना निदेशक को कौन बताए कि इस पूरे फर्जीवाड़े में उनके कर्मचारी भी शामिल रहते हैं। समाचार टू जेड के लिए संबल से बिजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। है क्या नाम है आपका? मुन्नी। कहाँ की रहने वाली? गंगावास। तो जो आप यहाँ झोपड़ी में रह रही हैं, ये पन्नी पड़ी हुई है आपकी, तो आपने प्रधान जी से नहीं कहा आवास के लिए? कहा था, उन्होंने करवाया। क्या कह दी? कह दी क्या, इनके पास ट्रैक्टर है, हमारे पास ट्रैक्टर है नहीं। अच्छा, ट्रैक्टर नहीं आपके पास? तो कोई अभी तक किसी अधिकारी से, आपने किसी अधिकारी से ब्लॉक में या तहसील में आपके पति आपके कहीं गए आपके उसके आवास के लिए? गए, फिर करवाओ किसी ने। क्या कह दी? कह दी आपके पास ट्रैक्टर है। अच्छा, और हमारे पास ट्रैक्टर नहीं। हमारे पास तो कितने दिन हो गए आप इसमें झोंपड़ पट्टी में रहती है? झोंपड़ पट्टी में 5 साल थी और 6-7 साल है हमें तो रहती। और कहीं मकान है? यही मकान है, इसी में रहती है। मकान तो यही है, इसी में रहती है। जो आपके जो अंदर जो लेटरिन बनी है, शौचालय बने हुए हैं, तो ये आपके ही हैं? हैं तो हमारे ही, फिर जो कच्चे हैं ना, जो पक्के तो लेटरिन करने लगता है नहीं। अच्छा, जो कच्चे हमने जाम करना को धान कर लो धरवा। अच्छा, गड्ढा बड्ढा खुदा है इसका? गड्ढा नहीं खुदा हमारा। अच्छा अच्छा, तो पैसे वैसे लिए इसके शौचालय के आपसे? हाँ, 1000 रुपया लाए। किसने लिए? प्रधान ने। प्रधान जी ने लिए 1000 रुपए? हाँ। और आवास को कहा तो मना कर दिया? हाँ, प्रधान ने वो तो मना कर दिया कि आवास नहीं है। हाँ, आवास का के तो नहीं, इनके पास तो ट्रैक्टर है, जो बात कही तो खत्म कर दे। अच्छा, चेकिंग वाले आए कोई यहाँ? आए तो भाई आए, फिर नहीं आए। अच्छा अच्छा, फिर सब ने कटवा दो मतलब जो हो। अच्छा अच्छा, आपका कमरा आप ऐसे लिख गया था आपका कमरा? हाँ लिख गो। फिर कटवा दो, फिर अभी तक नहीं आया। अच्छा, क्या नाम है आपका? कांति। कौन से गाँव की? गंगावास की। अच्छा, तो ये झोपड़ पट्टी में आप रह रही हैं, आपने प्रधान कोई आवास वगैरह आपको मिला? ना, आवास ही नहीं मिला। नहीं मिला। प्रधान जी से कहा आपने? हाँ। क्या कह रहे हैं प्रधान जी? नो कहते हैं कि बनवा देंगे, मैं तो यहाँ तो कुछ करूँ ना, हमारे कितने। कब से प्रधान जी यहाँ प्रधान रह रहे हैं लगातार? क्या साल से रह रहे हैं प्रधान जी यहाँ लगातार? 10 साल से रह रहे हैं जी। तो आपने कहा है प्रधान जी से? प्रधान जी ने कहा। अच्छा, तो जो लाइट का कनेक्शन है वो कैसे हो गया, किसने कराया? लाइट को कनेक्शन जो है के बाल लगाए छोटे, मैं तो घर पर ही ना। अच्छा, तो ये पीछे कर गए। अच्छा, तो इसका बिल कौन भरेगा? और हम जाने कौन भरेगा। अच्छा, आपके पास आपके पति क्या करते हैं? आपके पति? हमारे पति तो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, नो समझ लो, चेयरमैन के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मजदूरी कर रहे हैं। तो जो आपके पास राशन वासन कुछ है, राशन मिलता है आपको? राशन देती ना छोड़ते हैं जो। राशन है वो आपके पास? राशन कार्ड है? राशन कार्ड है, लेकिन प्रधान वो देते नहीं आपको? डीलर जो है देते ना, चाहे ऐसे देते, चारधरी चारधरी देते हैं। हाँ। तो कैसे फिर गुजारा हो रहा है आपका? ऐसे ही है, मजदूरी कर लाता है तो खा लेता है ना, अब तो कोई बात ना, नो समझो, नो परेशानी है। अच्छा, तो ये जो है, ये जो आपके जब बारिश आती होगी या फिर जब आंधी आती होगी तो कैसे आप यहाँ रहते हैं? बाहर लेकर के बैठ जाते हैं। अच्छा, बारिश होती है तो? हाँ।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब धर्मपाल है। कहाँ के रहने वाली हो? गांव गंगावास से। अच्छा, तो जो आवास है आपका, आवास आपको नहीं मिला क्या? आवास नहीं मिला, लेकिन आए तो थे यहाँ पे फिर, लेकिन आवास वाले, लेकिन गांव वाले कुछ लोगों ने, मतलब बड़ाई वालों ने, उन्होंने कह दिया कि इन पे कुछ है ट्रैक्टर वगैरह, लेकिन है कुछ नहीं, लेकिन इस वजह से मतलब। तो प्रधान जी से नहीं कहा आपने? प्रधान जी से कहा, प्रधान जी ने, प्रधान जी कोई बात नहीं सुनी इस मामले में। अच्छा, हाँ। तो कितने लोगों के यहाँ पे ऐसे गांव में आवास आए, और ये लोहिया में है क्या गांव? ये गांव राम मनोहर लोहिया में। अच्छा अच्छा, हाँ। राम मनोहर लोहिया में गांव है ये। हाँ। कितने लोगों के आवास आए वैसे यहाँ? यहाँ वैसे 8-10 आवास आ चुका हूँ। कितने लोगों के आवास आए, मतलब कैसे लोगों के आवास आए? गरीब लोगों के हैं या वो गरीब गरीब के काम है, लेकिन जो ऐसे हैं उनकी पार्टी के प्रधान के, उनके ज्यादा हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो इसमें पार्टी बंदी भी चलती है क्या आवास? हाँ, पार्टी बंदी चलती है। अच्छा, जिसके पास जो जिसकी पार्टी का उसी को कमरा मिलता है। हाँ, हाँ। बाकी आवाज आवाज नहीं मिलता किसी को? नहीं, हाँ। हाँ, और गांव में ये रास्ता बहुत खराब है, यहाँ कोई मतलब सुनने वाला नहीं। अच्छा, तो गांव के लोग प्रधान जी से नहीं कहते, किसी SDM DM से किसी से शिकायत नहीं करते हैं? किसी से नहीं कहते हैं गांव ऐसे ही। अच्छा, कोई किसी से नहीं कहता। क्या प्रधान जी दबंग है क्या? प्रधान जी दबंग प्रधान जी है क्या? हाँ, ऐसा ही है, दबंग फबंग मानो। गाँव है गंगावास, वहाँ के ग्रामीणों का आरोप है की वहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं ग्रामीण योजना के तहत, वो पात्र लोगों को न देकर अपात्र लोगों को दिए गए हैं, जबकि जिनके घर पे छप्पर पड़े हुए हैं और कच्चे मकान हैं, उन लोगों को आवास नहीं दिए गए। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, प्रथम दृष्टया जांच और छानबीन करने के उपरांत ही लोगों को आवास दिए गए, लेकिन अगर कहीं से इस तरह की कोई शिकायत होती है कि किसी अपात्र को दिया गया, तो हम लोग उसकी जांच पड़ताल करेंगे, और उस स्थिति में अगर किसी अपात्र को दिया गया है तो उसके वसूली की कार्यवाही और दोषी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे।